हम पहुंच गए हैं, आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, ये जी किला जामगढ़, जामगढ़ फोर्ट, ठीक है। ये भी ज़िला भावनगर की तहसील फोटाबास में जो है वाक़िया। बेसिकली ये अपना आप कह सकते हैं कि जो किला मीरगढ़ है उससे 7 से 8 किलोमीटर दूर है, और किला दिरावर से 199 मील की दूरी पे वाक़िया है, ठीक है। यहाँ पे तीनगढ़ किला भी है, इससे आगे इस तरह करके 2-4 किले, किला मरोट है, ठीक है। तो इस तरह के 2-4 किले और भी हैं, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम आगे भी जाएंगे किला मरोट। आज के सेशन में हमने ये 3 किले कवर करने हैं। तो किला मीरगढ़ हम जो है वहाँ से गुजर चुके हैं, और किला ये जामगढ़ में आ गए हैं, ठीक है। इसकी आपको जो है वो थोड़ी सी अंदर से जाके जो है वो दिखाते हैं, बाकी आप इसकी खूबसूरती इस इलाके की यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अब सिर्फ टेक्सचर ही रह गया मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलें आपको अंदर लेके चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या हिसाब किताब है, लेट्स गो जी। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये इसका मेन गेट है, ये दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। तो इसकी ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हमने इसके लोग विजिट करने के लिए भी आए हुए हैं। इसकी आप ये देख देखें कितना ईंटे लगा के, लेकिन जो चनाई है इसमें, मतलब जो जिससे ईंटों को जोड़ा गया वो गारे की है, ठीक है गाइस। हम ये देख सकते हैं मजबूत पुख्ता ईंटों की बनी हुई। तो आप ये देखें कि ये इन्होंने अपना बनाई हुई है कोई चीज़ें वगैरह रखने के लिए अलमारी टाइप। ये अब रोशनदान है, या अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो रोशनदान लगता नहीं है, इसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते होंगे। बहरहाल हम आगे जाके देखते हैं अगर हमें कुछ मिलता है तो। देख सकते हैं गाइस जिस साइड पे देखो उस साइड पे आपको ये रोशनदान इस तरह के मिलते हैं। इसकी खस्ता हाली, इसकी जो सिचुएशन लोकेशन है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब ये अपने अरूज पे होगा, अपनी जो है वो अपने मतलब अपनी फुल कंडीशन में होगा, तो इसकी क्या कंडीशन होगी आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको हम दिखाते हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है, कि सिक्योरिटी के हवाले से शायद ये रखे गए हैं ताकि दुश्मन पर नज़र रखी जा सके। हर जगह पे, हर कोने पे ये मोर्चे बनाए हुए हैं, ठीक है गाइज। यहाँ से ठीक है गाइज, आप देख रहे हैं इसकी खस्ता हाली। तो इसमें कहा जाता है कि इसमें कोई एक साइड पे किसी, ये जो इसके जो फोर कॉर्नर्स हैं, किसी एक कॉर्नर में एक ऐसी सुरंग भी है जो अंडरग्राउंड रास्ते से अपना किला मीरगढ़ की तरफ जाती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं गाइस कि ये सारा हिसाब किताब है, ठीक है। यहाँ पे लोग विजिट करने के लिए आते हैं, आप ये देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं हमारे साथ। तो उम्मीद है आपकी चीज़ अच्छी लग रही होगी। तो गाइज़ आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने के लिए सेटअप, ऐसी वीडियो कवर शूट करने के लिए बहुत मेहनत, टाइम और वक़्त दरकार होता है। तो काइंडली हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हमें आपकी मोहब्बत और कदर का एहसास हो सके, और हम ऐसी और चीज़ें आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करें और चीज़ें आपके लिए लेके आएं। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ इस के अंदर जाके, अगर हम जा सकते हैं, ट्राई तो करेंगे पूरी की जाएं। हियर आर सम वेज टू गेट इन, आई थिंक वी कांट, हम यहाँ से तो नहीं जा सकते, बट ये तो गाइस ये देखें, ये इसके एक कॉर्नर की ये है लोकेशन। कैसे आगे भी लेके जाता हूँ मैं। तो जी तो गाइज ये आप इनकी बेरौन की उसकी खस्ता हाली देख सकते हैं। ये जो कैनन्स, सॉरी कैनन कह रहा हूँ, कॉर्नर्स जो हैं ये बेसिकली दुश्मन पर नज़र रखने के लिए थे,
दुश्मन, क्योंकि किला बनाने का मकसद ही ये था। ठीक है, आप ये देख, यहाँ से आप दुश्मन पर नज़र रख सकते हैं। उस दौर में ऐसा होता होगा, जैसे कि इस कोने पे भी एक ऐसा ही मोर्चा टाइप रोशनदान है, ताकि जो भी उस दौर में होंगे अपना सिपाही या फौज के जो भी जर्नल टाइप, वो यहाँ से कमांड करते होंगे, हम को आगे भी लेके जाते हैं। सो यू गाइस हैव ए लुक। दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं गाइस, तो आपको वो भी दिखाते हैं अंदर से उसकी क्या कंडीशन है, उसका क्या सेटअप है। देख लें गाइस कितना खूबसूरत है। ये बेसिकली सहराए चोलिस्तान है, इसको चोलिस्तान बोलते हैं। तो गाइस यहाँ से हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ से हम इसके ऊपर जाएंगे। स्टेयर्स बनी हुई हैं पुराने दौर की, लेकिन टूट फूट का शिकार हैं। पूरी बिल्डिंग खस्ता हाल है। मुझे भी नहीं पता है कि हम कहाँ से, ये ना हो कि नीचे गिर जाए, कौन सी ज़मीन कच्ची है कौन सी पक्की है। एक्चुअली वी डोंट हैव एनी आइडिया। तो गाइस ये देखें, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। हर जगह जगह से कोई टूटी हुई है, कहीं पे सुराख हैं, कहीं पे क्या है, तो मतलब किसी साइड से भी ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट है या कुछ ठीक है। ये जो दो कॉर्नर कवर हो गए, चलते हैं तीसरे की साइड पे। ये रास्ता नीचे जा रहा है। अगर हम तीसरे कॉर्नर पे जा सकें तो वी आर आउट। तीसरे कॉर्नर की तरफ चलते हैं गाइस, को वो भी विजिट करवाती है कि उसके अंदर भी कुछ बचा है या नहीं। आई होप के बचने बचाने वाली कोई बात तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी गाइस चलते हैं। तो देख रहे होंगे दोस्तों, इट्स टू टफ, ये बहुत डेंजरस, थोड़ा ख़तरनाक सा भी है। ऐसे कुछ बेरोन की सी, यहाँ पे अंदर जाने का कोई प्रॉपर वे नहीं है, तो यहीं से देख सकते हैं। मुझे लगता है कि कॉर्नर से कंप्लीट हो गए, अब हमें यहाँ से नीचे उतरना चाहिए और कहीं किसी और साइड पे इसको विजिट करना चाहिए। जी तो गाइस इसके अंदर एक ही छोटी बिल्डिंग है और इस किले के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम देख के इस चीज़ को कोई बता सकें, बयान कर सकें। जस्ट एक ही बिल्डिंग है और कुछ भी नहीं है। चलिए हम यहाँ से नीचे उतरने की ट्राई करते हैं दोस्तों, जगह तो थोड़ी ख़तरनाक सी है। वो फक, मेरी जान, ये एक ही बिल्डिंग है और आई डोंट नो कि ये किस मकसद के लिए थी या किस मकसद के लिए बनाई गई थी। आपको इसको दिखा देते हैं। वैसे इसका जो स्ट्रक्चर है, हैव अ लुक गाइस, ये देखेंगे बस यही है।
जी ये है जी इस किले का स्ट्रक्चर, दैट्स इट। देखो जी ये लोग विजिट करने के लिए आए हुए हैं, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? हम अफसोस कर रहे हैं जो इस किले में रहे। अच्छा वैसे ये बंदा जो है ना, इसको तो मैं अपने साथ ले गया था भाई, तानू क्यों है? देख ठीक कोलोनल है जी। तो गाइस उम्मीद है आपको आज का ये वाला जो सेशन है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि हमारी ऐसी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें, हमारी हौसला अफजाई हो। तब तक वो असलाम।